Woof. एक खबर आती है, एक खबर जाती है, सबको देखना पड़ता है। राव, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। तुम्हें इस लड़की के लिए काम करना होगा। तुम इसके कागजात इनामदेह की फौरन जमा कराओ और एलिशन लड़वाते हैं इसको, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें किसके लिए कितनी मेहनत करनी है और किसको जितवाना है। मीर साहब, आप जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। देखो नूर, मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम दे रहा हूं और बड़े एतमाद के साथ, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और कॉन्फिडेंस रखती हो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम जिस तरह जरूरतमंद हो ना, इस तरह मेरी आवाम भी जरूरतमंद है। उसको भी काम की कमी है। तुम इलेक्शन जीतोगी तो उनके लिए तुम्हें भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह तुम दुखी हो तो आवाम के दुख को अच्छी तरह से समझ सकती हो, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। हाँ भाई दादाशाह, आपको जो अपॉइंटमेंट दिया गया है, आपको हर चीज का बता दिया गया है ना, इसमें आपका वास्ता बड़े बड़े लोगों से पड़ेगा। बड़े बड़े पुलिस अफसरान, वकील, MNS, पुलिस वाले, रिपोर्टर, इन सब से आपका वास्ता पड़ेगा। इन सब को आप हैंडल कर लोगी ना? बॉस, में हर किस्म की पॉलिटिकल काम करने के लिए तैयार हूँ। और सबसे पहला शिकार आपका है दुरानी साहब। दुरानी साहब? आप फिक्र ही ना करें राव साहब, दुरानी साहब को ऐसे शीशे में उतारूंगी, वो अपनी सारी राज खोल के रख देंगे। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, अगर यहाँ की बात कहीं और गई, और हाँ, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी जिंदगी के लिए नेहात ही भयानक होगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आप हमारे साथ सही चलोगी तो, और अगर तूने टेढ़ा होने की कोशिश की तो तेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है। आप टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कहाँ हैं आप? अगर आप इजी हैं तो जल्दी से मीर साहब के ऑफिस में आ जाएं। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप जल्दी आना, ठीक है? जल्दी, ओके, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लेट हो गई। अरे क्या बताऊं, आपको तो पता ही है रास्ते में ट्रैफिक कितना होता है। और कैसी हो नताशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा नूर, इसको मैंने सब कुछ समझा दिया दुरानी साहब के हवाले। अब जो ना, आप इसको देख लेना जैसे ट्रेनिंग देनी, ठीक है? और इसकी ड्रेसिंग जरा अच्छी सी करवा देना, सब कुछ समझा देना इसको करना क्या है। अरे आप फिकर ही ना करो, इसे तो मैं ऐसा ट्रेन करूंगी कि ये ट्रेन से भी आगे भागेगी। देखना आप, इसको तो मैं ऐसे समझाऊंगी, बस बच्ची समझदार है। पर है तो नहीं। अरे आप छोड़ें, ये सब आप मुझ पे ही छोड़ दें। अरे छोड़ दिया आप पर। चलें, फिर ठीक है, देखते रहना। चलो। Thank you.
अरे नताशा, क्या हो रहा है? तैयार हो रही हूँ। तैयार? ऐसे कैसे तैयार हो रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें अपना लुक चेंज करना पड़ेगा। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये दुपट्टा उतारना पड़ेगा। क्यों भाई? बड़े लोगों में रहना है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये दुपट्टा वगैरह नहीं चलेगा, इसे उतारो। क्या इसका उतारना जरूरी है? क्या चेंज लाओ लाइफ में, मॉडर्न बनो, उतारो दुपट्टा। और ये चश्मा भी उतारो। दादी अम्मा बनी रहती हो तुम हर वक्त। लाओ मैं तुम्हें थोड़ा सेट करती हूँ। लेकिन क्या ये सब करना जरूरी है? हाँ, लाइफस्टाइल चेंज करना है तो फिर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा लुक चेंज होना चाहिए। कितने उलझे हुए बाल हैं तुम्हारे। मुझे लगता है तुम्हें पॉलर लेके जाना पड़ेगा। तुम्हारे बालों को भी सीधा करवाना पड़ेगा और तुम्हें भी। देखो अपने आप को, कितनी प्यारी हो। अपने आप को चश्मे के पीछे छुपा के रखती हो। अब देखो तुम, पार्टी पे जाओगी, आओगी तो लोगों से ऐसे मिलोगी? पता चल रहा है? यस, अब मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आए हो तुम? और सुनाओ, ठीक ठाक हो? ठीक हूँ सर। इलेक्शन हो रहे हैं और हमें अपना नुमाइंदा जितवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। आप फिक्र ना करें मीर साहब, आप जिसको जितवाने चाहते हो वही जीतेगा। मेरे साहब इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि आपके पास हर चीज है, गाड़ी, बंगला, पैसा, पानी की तरह हर चीज बहाते हैं। वैसे जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। जिसे आप जिताना चाहते हैं वो जीतेगा, जिसे नहीं वो नहीं जीतेगा। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इस इलाके की मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ, और इसी तरह से मुंतखब नुमाइंदों को भी करनी होगी। शुक्रिया मीर साहब। एक बात याद रखो, ये जो इलेक्शन में लोग मुंतखब होते हैं ना, ये अपना मफाद देखते हैं। इनको एहसास नहीं होता कि लोगों को क्या काम है, क्या मजबूरी है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शुरू में बहुत सारी बातें कर देते हैं। जीतने के बाद कोई अहमियत नहीं देते हैं, ये बता दूं मैं तुमको। ये सब यहाँ का दस्तूर है। और देखो बाबा, हम अपना नुमाइंदा अगर लेकर आएंगे ना, वो मुंतखब हो जाए, तो उससे हम काम लेंगे, वो काम लेंगे जो हमारे इलाके के लिए बेहतर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारा नुमाइंदा जीते, क्योंकि वो अपने नुमाइंदे को जितवाने के लिए सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो माल बनाएंगे, लूटेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। और कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हमारा नुमाइंदा जीते। वो कौन है जो हमारी पार्टी से जीतना चाहते हैं? वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा इंस्पेक्टर कि कौन है वो और क्या चाहता है। अच्छा बाबा, अब तुम लोग भी चलो हैं, मुझे भी अपना काम करना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अरे तुम अच्छा हुआ आ गया है यार, मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ आ गया, मैं तो तेरे पास आ रहा था।
बहुत अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना आप तो निकल जाते। ये तो तुझे अब पता चलेगा। मेरी खुशकिस्मती होती कि आप खुद आते। बहरहाल मैं खुद आ गया। तुमको पता है कि अगर तुम नहीं आता तो मैं तेरे साथ क्या करूं। मैं तुमको और तुम्हारा साथ देने वालों को अच्छे तरह से जानता हूँ। तुमने मेरे लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। हा? नहीं नहीं सर, अरे मेरी बात तो सुनो। नुकसान है, मैं दो मिनट में निकाल के फेंक देता हूँ, समझा? और आइंदा अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो ऐसा हशर करूंगा, ऐसा हशर करूंगा। तो याद, तुमने विजन जो चौक पर जो धमाके किए ना, ये तुम्हारे चेहरे पर लिखे हुए हैं, तुम लोगों को और तुम्हारे जानने वालों को। जानता हूं मैं जिन्होंने ये धमाके किए, क्या सोचकर धमाके किए। यही कि वहां के लोगों को मारा तुमने, तुम मारना चाहते हो, तुम समझ से नहीं हो मुझको। मैंने तुम्हें बहुत सहारा दिया है, बहुत समझाया है, ताकि मेरा नाम भी जानते हो तुम, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। मैं मीर बलोच हूं, समझा? कितनी बार समझाया मैंने तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने मुझे हल्का लिया। अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कोई धमाका, कोई लूट मार, कोई कत्ल वारदात हुई तो मीर बलोच नाम है मेरा। सब लोग जानते हैं और तुम भी जानते हो, समझे? और तुमने मेरी कैंडिडेट को तंग किया, हिरासा किया, उसको परेशान करते हुए उसके घर जाके तुम भूल गए कि वो किसकी कैंडिडेट है, किसकी मेंबर है, वो किसने उसको इलेक्शन में खड़ा किया। भूल गए तुम, हाँ भूल गए। लेकिन मैं तुम्हें याद करा दूं कि अभी भी अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, सही लाइन पर नहीं लेकर आया अपने आप को, तो तुम्हारी खबर भी नहीं बन सकेगी। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, वार्न कर रहा हूं मैं, तो मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मुझे ज्यादा और इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कल की जगह आज खत्म कर दूं। तुम लोग भूल गए हो कि मुल्क कितनी मुश्किलों से बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है। भूल गए हो तुम, तुम्हारे आबा अजदाद से पूछो जाके कि कितनी मेहनत से ये मुल्क बनाया था, और तुम लोगों ने इसको तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम जैसे लोग इस मुल्क पर काबिज होते रहे, अपने लुटेरेपन से लूट लूट कर तुम लोग खा गए, दहशत की धूम मचा दी तुमने, कत्ल वारदात करी, लोगों को परेशान करना, सिर्फ अपना मफाद देखा है तुमने अपना। तुम भूल गए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानी से भरा है। नहीं साहब, जो भूल गए ना, भूल गए तुम। माँ बाप से जाके पूछो कि मुल्क कैसे बना था, और जिस तरह मुल्क सबको अजीज है, मुझे अजीज है, इस तरह मेरा ये इलाका मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। मैं इस इलाके के लिए मैं क्या बताऊं, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ, क्या करूं, बोलो क्या करूं मैं तुम्हारे साथ, बोलो। तुम नहीं जानते मुझे कि मैं पागल हो जाता हूं तुमको देख कर। तुम मेरे इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरे लोगों को तंग कर रहे हो। मीर साहब मुझे माफ कर, तुमने पहले भी कहा था मुझको कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं कितनी मर्तबा तुम्हें आजमाऊं, बताओ, बोलो। मैंने कितना समझाया था कि मेरा ये इलाका मेरा ये घर है, यहाँ के रहने वाले मेरी फैमिली है, एक एक बच्चे की मैं इज्जत करता हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। तुमने मुझे कल भी धोखा दिया था और आज भी धोखा दे रहे हो। तुम जहन में रखो कि मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकता, अब यकीन नहीं कर सकता, याद रखो। ठीक है सर, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। याद रखना, आइंदा अगर तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तेरा सर तन से जुदा रहा हूं। जाओ।